अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मौज कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके। वो अजीबोगरीब हरकतें करते वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें तालिबान लड़ाके अब मस्ती काट रहे हैं। काबुल में अराजकता की स्थिति के बीच दुकानों को बंद कर दिया गया और बाज़ार व स्कूल बंद हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पूरे शहर में व्यापक अराजकता फैल गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर तालिबानी लड़ाकों के कई अजीबोगरीब हरकतों वाले वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जिस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ दिन पहले अफगानी संसद बैठा करती थी, उस पर हथियारबंद तालिबान लड़ाके उछल कूद कर रहे हैं। हाथ में बंदूक, चेहरे पर जीत की मुस्कान और बात बात में अशरफ गनी का नाम इन आतंकियों के इरादों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। एक आतंकी तो राइफल लिए सीधा स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठा और उसकी टोपी पहन ली। काबुल फतह करने के बाद तालिबान लड़ाके अब भारत द्वारा बनाए गए अफगानी संसद भवन में घुस गए हैं। AK-47 और अमेरिकी M4 राइफल लिए इन आतंकियों ने स्पीकर की कुर्सी समेत राष्ट्रपति अशरफ गनी की सीट पर भी कब्जा जमा लिया है। वायरल हो रहे वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान के संविधान और लोकतंत्र का कितना सम्मान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।